गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके थे और आफ्टरनून में मैं जो बना रही हूँ लंच आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, वो भी रस्से वाली। यहाँ पर बनके आधी तैयार हो गई है, यानी कि देख लें आलू भी हो गए हैं, यानी कि आलू पक चुके हैं, बैंगन वगैरह भी हो गया है। तो हम जो है बिहारी स्टाइल में रस्से वाली सब्जी बैंगन की इसी तरीके से बनाते हैं। इसको आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल बनाए हैं, चावल के साथ इसको खाएंगे क्योंकि हम लोग दो ही जने हैं। तो थोड़ी सी सब्जी बनाई है, मैं और गोलू ही हैं। अंकल जी लंच लेके जा चुके हैं। बैंगन की जो सब्जी है बनके आधी तैयार हुई है, इसमें भर के टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डालेंगे और टमाटर को एकदम अच्छे से पकने तक इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि तेज करेंगे ना तो इसका सारा पानी जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करते हैं और मिलते हैं पकने के बाद। हम मेरा केशु आ गया। केशु क्यों आया है पता है आप लोगों को? क्योंकि केशु का आज मार्क्स आए हैं, रिजल्ट आया है यूटी का, है ना, जिसमें केशु ने 20 out of 20 किसी में नहीं लाया है। कोशिश करी थी नहीं? कोशिश की थी 20 आने की, कोशिश किया था 20 लाने का। मैथ में अच्छे आए हैं, ठीक है, मतलब मेरा मुंह ढक रहा है। मैथ्स में अच्छा है क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया था। मैथ्स में लाया है 18.5 और 19 आए हैं इसके बायोलॉजी में। और देखो बचपन में भी ना यही छूता था, देख रहे हो इस लड़के को अभी भी ये मतलब बात कर रहा है और इसके हाथ पे ऐसे गया तो ये छूने लगा है ना। बचपन में भी अब छूते थे पता है आपको, तो कई बार फाड़ा है। अच्छा बाबू है तो आप मतलब केशु को कॉन्ग्रेचुलेशन करिए कि ये 20 out of 20 सब में लाए। ये हम टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो मम्मी आप देख सकती हो कि कैसे रियर कैमरा से फ्रंट शूट किया जाता है। सीधे ऐसे रखो और फिर हाँ, फ्रंट शूट कर लो और सीधे ऐसे करो और फिर ऐसे कर लो। ब्लॉगर ये बनी थी, ये सिखाई है मेरा खाना। और खाना खाते हैं हम, आ जाओ केशु खा लो आप भी। आराम सब्जी चावल आ जाओ, आ जाओ बोलो आराम से। ये वो है टेंट, अभी देखू मैं दिखाएगा। मतलब कि 5 मेरे कान 4 3 2 1 ओ तेरी याद बड़ा है कौन सा पेज है और ये एक ही फोटो चाहिए। 1 2 3 आ गई भाई, झूठी बोल रहा है ऐसे। हाँ मुझे चाहिए नहीं। बजाना फोन वाली तो हमारे साथ रघुनाथ, तो किस बात की नहीं बोली, किस मार्क्स की चिंता, मार्क्स की चिंता। वो पूछता किस बात की, मैंने कहा कि मार्क्स की। एग्जाम शीट भी लेके आया, सिर्फ शीट को साइन भी करवाना होता है, उसके लिए पापा के डेस्क पर रखना होता है, रात के 8 बजे तक तो साइन मिल जाएगी। देखो रे सन्मूमेंट्स ले आना, से पता तो है दुकान कहाँ पे है, 10 रुपए का मिल जाता है। देखे और यहाँ अंकल जी आ चुके हैं और पता नहीं जे
के एल सब बोल रहे नानी गांव की याद आ रही है अंकल जी को। और यहाँ पर अंकल जी की भी चाय बन के रेडी है, चाय पीते हैं अंकल जी के साथ। छोटे मामा जी भी आए हुए हैं तो उनको भी देती हूँ चाय। बीच में सिंगल में क्या और हमारी जो है ये एल्बम पता नहीं कब कब खत्म होगी, है ना गोलू? 10-20 जमा करते हैं। ये अपनी ढूंढ रहा है कि मेरी कहाँ है। सब अपनी अपनी ढूंढ रहे। मैंने ना सारी फोटो डाली है आज व्लॉग में, अब अपनी अपनी ढूंढो। एक बंदा था नहीं बना बहुत पहले, एक लड़का बेटा दिल्ली में। देखो अंकल जी परमानेंट सीट पे। और यहाँ पर फिर से आज मैं एल्बम लेके बैठ गई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गोलू मेरे लिए लाया है यहाँ पे पनीर, ये देखिए। बीमार माँ को खिला रहा है, बल्कि बीमार माँ बीमार नहीं है, है ना अंकल जी? नहीं बीमार है बिल्कुल। क्यों? ये अपना केयर नहीं करती है। हाँ अच्छा। और जानते ही हो आप लोग, घर की लक्ष्मी अगर बीमार हो जाए तो क्या हालत होगी, सब बीमार हो जाते हैं। कहीं नहीं मैं बीमार हूँ, मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी। अब देखो अंकल जी का रिएक्शन, ऐसे 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 करो, ऐसे करो। घर की लक्ष्मी है, सुनो तो आप देखो तो जाऊँ मैं बालाजी जाना है। हाँ क्या बात है, चले बालाजी। मैं भी चलूंगा। चलो चलो चलेंगे, सच में चलेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं भी चलूँ। ठीक है ओके बिल्कुल ओके। चलना है दोनों जने, चलते हैं मेहंदी बालापुर चलते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। काफी समय हो गया, एक साल हो गए ऑफिस से छुट्टी नहीं ली है। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ जो कम से कम एक महीने की छुट्टी ले लूँ और घूमूं। ठीक है थोड़ा माइंड फ्रेश। एक महीने की छुट्टी कौन देता है? अरे यही आ जाएंगे करने वाले हैं। मैं तो बस सपोर्टिंग में, सपोर्ट करने में। नहीं अभी अभी कॉल करती हूँ, रुको अभी रुको। छुट्टी सैंक्शन नहीं हुआ, होना चाहिए तो छुट्टी। अंकल जी का सैंक्शन नहीं होना चाहिए एक महीने का। हमारा ट्रिप होता है 2-3-4 दिन बहुत है, इतने में ही पैसे खत्म हो जाते हैं, पता है आपको? बिल्कुल। हाँ तो चले चलेंगे, है ना? ये देखो बेटा बाप को भी देके गया है ना। चलिए वो आप खाइए, ये मेरे लिए है। यहाँ एल्बम देखा जा रहा है, ये देखिए, ये मैं आज फिर से दिखाती हूँ। क्या बात है, सुनो ना बहना। ये देखो, हाँ मैंने फोकस भी किया था। ये मेरी इकलौती ननद है, जो मेरी ननद है ना, ये देखिए कितनी स्वीट है ये स्वीट बहना है। और ये स्वीट सी भांजी है, राखी सब राखी जानते ही आप। स्वीट भांजी। और यहाँ पर ये दोनों कौन थे, मैंने पहचाना इनको। ये है ना, ये नहीं आपको पता है, मुन्नू के साथ कॉलेज में नहीं था ये? शिवम। अच्छा शिवम यदुवंशी। अच्छा, अच्छा और ये है उषरा। अच्छा यूषरा है उषरा है मुझे नहीं पता। ये दोनों साक्षी के कॉलेज में आए थे, देख रहे हो? और ये दोनों ही हमारे बिहार के हैं। अच्छा उषरा नहीं थे, दोनों भाई बहन थे जुड़वा। तो ये भाई नहीं आया था मगर इसके साथ आ गई थी। अच्छा। है ना बहुत अच्छा लगा। और ये भी ननद है मेरी, ये भी स्वीट सी ननद है सीमा, जिनके यहाँ गई भी थी, याद होगा आप लोगों को, जो बड़ा कक्का की बिटिया हैं। अब इनके इनके घर भी शादी है, पता है आपको? और इन आंटी जी को तो आप जानते ही हैं, ये देख लीजिए। चलेंगे हर जगह। और आज बहुत सारे बच्चों का ना आज शादी फिक्स होगी। एक ये है ननंद, ये ननद है, इनकी शादी आज ही फिक्स होगी। कब होती है पता नहीं। इन दूल्हे राजा ने सबके लगन जगा दिए भाई, सबसे पहले तो मामा ससुर का ही लगन जग गया। इसकी भी हो, साल दो साल में होगी ही, तो सबको अंबाला ले चलेंगे, अंबाला टूर कराएंगे। ये देखिए मेरी बिटिया पतली थी, अब ये मोटी हो गई है थोड़ी सी, देखेगी तो कहेगी। ये देखो कनिका, इसकी भी शादी होगी। और ये रहे साक्षी के दादाजी, यानी कि ये मेरे बाबूजी हैं। देखो आप, देखा आपने? ये बाबूजी राखी के साथ, और मम्मी भी है यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं लोगों को।
मम्मी भी। और एक में तो मैंने गुनगुन को पीछे पार्क में देखा खेलते हुए। हाँ गुंडी गुनगुन पीछे थी। साक्षी की चाची नहीं आई हुई है कहीं पे पिक में कहीं भी, क्योंकि बेचारी वो थी छोटे बच्चे को लेके परेशान। ये वाली फोटो देखिए कितनी अच्छी है, भाइयों ने ले रखा है। और यहाँ पर अंजू भाभी भी है, देखो अंजू भाभी भी यहाँ पे सभी हैं। सभी अपनों ने मुन्नू को घेरा हुआ था है ना। देखो ये भी एक मेरी भाभी है, ये वाली ये भी भाभी है, यानी सब ये मामी है। ये मुन्नू की मामी, देखो लड़के मतलब इसने सुनो ना। अरे भाई आपने एक चीज देखा, पता नहीं इन लोगों को पता कैसे चला यार। देखो यहाँ लड़की के मामा मामी और यहाँ लड़के के मामा मामी, ये देखा आपने? ये चीज को मैंने अभी ध्यान दिया है। वो लोग ध्यान देते हैं ना हर चीज पे है ना। ये रहे, ये है साक्षी के, अभी रुक जाओ। हाँ। किसान जो है साक्षी के दादाजी और दादी जी, जनरेशन तो उनकी किसानी हो जाती है। सेकंड जनरेशन हो गया मैं, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लिख के शहर आया, अपने बदौलत सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पढ़ाई। अब ये आपकी ना स्टोरी एक दिन अलग से डालूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो चलो एंड कर दो आप। राजा कैसे बने? राजा बने, बताइए आप ही। दिल से राजा होने चाहिए। और ये छोटी सी जो बिटिया देख रहे हैं ना, ये चाचू की बेटी है, यानी साक्षी के चाचू की बिटिया को दिखाते हुए इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आंटी आप रोज देखने लग जाती हो। यहाँ देखिए गोलू, गौरव मामा जी, यश, यश ने आना छोड़ दिया है, ये भी अपने राहों पे लग गया है, इसको भी भगवान तरक्की दे। यहाँ पे चंगू मंगू के साथ एंड करती हूँ इस व्लॉग को। और अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।